बांग्लादेश को पहले टेस्ट मुकाबले में 280 रनों से हराने के बाद बीसीसीआई ने दूसरे टेस्ट के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। दूसरे टेस्ट में किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला है सारी जानकारी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर 27 सितंबर से कानपुर में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और इसमें टीम की बात करें तो टीम में कुछ भी बदलाव नहीं है। जो खिलाड़ी पहले टेस्ट मुकाबले में थे उन्हीं सभी खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी शामिल किया गया है। अगर आप बता दें कि रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, यश दयाल, ये वो खिलाड़ी हैं जो टीम में शामिल हैं। बीसीसीआई ने मीडिया एडवाइजरी के जरिए ये जानकारी दी। दूसरा टेस्ट मुकाबला कानपुर में खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट में जरूर प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव हो सकते हैं क्योंकि कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें जिस तरीके से चेन्नई में भारत तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था, दूसरे टेस्ट मुकाबला जो कानपुर में खेला जाएगा कुलदीप यादव को वहां पर प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है या फिर अक्षर पटेल के लिए भी टीम जा सकती है क्योंकि होम ग्राउंड अगर आप देखें कुलदीप यादव का है तो प्लेइंग 11 बदली जा सकती है। वरना अगर आप देखेंगे चेन्नई टेस्ट में चाहे वो शुभमन गिल का प्रदर्शन और पहली पारी में फेल रहे तो दूसरी में उन्होंने शतक जड़ा, ऋषभ पंत दोनों पारियों में बेहतर रहे, केएल राहुल पहली पारी में बहुत अच्छी पारी नहीं आई लेकिन दूसरी पारी में वो नॉट आउट थे, 22 रन वो भी एक अच्छे लय में बनाए थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के रन नहीं आए लेकिन दोनों के जगह पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन अगर आप देखें अश्विन जडेजा दोनों ने गेंदबाजी के तौर पर भी और बल्लेबाजी के तौर पर भी भारतीय टीम को बचाया है, लिहाजा अगर आप देखेंगे बदलाव की गुंजाइश कम है क्योंकि अगर आप तेज गेंदबाजों में जाओगे तो वहां पर आपको आकाशदीप दिखेंगे जिन्होंने हैट्रिक वाले मोमेंट पर आ गए थे पहले टेस्ट में, वहीं बुमराह का तो कोई जवाब ही नहीं है जिस तरीके से उन्होंने 4 विकेट पहली पारी में झटके थे। सिराज भी अहम कंडीशन मौकों पर काम आते रहते, तो ऐसे में हो सकता है कि सिराज की जगह कुलदीप को खिलाया जाए दूसरे टेस्ट में, लेकिन प्लेइंग जो स्क्वाड है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 में क्या बदलाव होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।